पे बहुत सारी और अहादीस हैं। अबू अंसारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रसूल होते हैं ना, अल्लाह ने रसूल भेजे हैं, उनकी चार सुन्नतें हैं। चार सुन्नतें रही हैं रसूलों की। वो रसूलों की सुन्नतें कौन सी हैं? पहली पहली उनकी है जो आप सल्लम ने फरमाया उनकी सुन्नत है कि वो शर्म हया वाले होते हैं। ये उनका तरीका है, सुन्नत तरीके को कहते हैं। एक नबी जो एक रसूल है उसकी पहली सुन्नत क्या है? अबू अंसारी जल फरमा रहे हैं, आप सल्लम ने फरमाया, वो रवायत कर रहे हैं अबू अंसारी रज़ी अल्लाह ताला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली पहली सुन्नत रसूलों में जो थी वो शर्म हया थी। अब शर्म हया का निकाह से बड़ा ताल्लुक़ है। निकाह बंदा करता ही इसे कि शर्म हया आए। अगर निकाह को कर नहीं रहा फिर तो वो गुनाह की तरफ जा रहा है ना। दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसवाक का इहतमाम करना, रसूलों की सुन्नत रही है, रसूलों की सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया लौला अन अशुक अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्लु वुज़ूइन, अगर मैं अपनी उम्मत पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उन पर गिरा ना समझता, अपनी उम्मत के ऊपर मुश्किल और शकील इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भारी ना समझता, तो मैं हर नमाज के साथ फ़र्ज़ करार देता मसवाक को करना। हज़रत आयशा फरमाती हैं आप सल्लम जब तहज्जुद के टाइम उठते तो पहले मसवाक करते। आप सल्लम इतनी मसवाक करते, इतनी मसवाक करते कि जिसकी कोई हद नहीं। आपने आप सल्लम फरमा रहे मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम आके कहते कि मसवाक करो, जब भी मैं आता वो कहते फरिश्ते बदबू से भागते हैं। तो आप सल्लम को तो पहले ही बिल्कुल भी नहीं थी बू, लेकिन फिर भी जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, जब भी आप सल्लम फरमाते जिब्रील जब भी आता मुझे कहता मसवाक करो, तो मुझे लगता है कि मेरे ये जो घिस जाने हैं दांत और ये मसूड़े और ये कर कर के मसवाक। और उम्मत को भी आप सल्लम इतनी ताकीद की मसवाक हम दें, मसवाक करते ही नहीं हैं। और हम जो न्यू जनरेशन आ गई हैं टूथब्रश पे वो भी नहीं करते, पीले दांत हुए हुए हैं और अगला बंदा परेशान हो रहा है हमारे पास बात करके तो हमें पता ही नहीं, टेंशन ही कोई नहीं। फिर कोई कह, फिर बस इसी का इंतज़ार है ना, कोई कह दे क्या भी जाओ दांत साफ करके आओ, तुहाडे ते मुँह च बहुत बहुत आंदी। फिर कुछ लोगों को इस पर भी शर्म नहीं आनी क्योंकि हया शर्म से तल्लक नहीं। दो चीज़ें हो गई, कौन कौन सी? मसवाक का इहतमाम करना रसूलों की सुन्नत है पहली चीज़, ये दूसरी है शर्मो हया का, हर रसूल शर्मो हया का पैकर है। तीसरी चीज़ अबू अंसारी फरमाते हैं आपसे सल्लम ने फरमाया इतर का इस्तेमाल, खुशबू इस्तेमाल करना मर्द की जीनत है। आपसे सल्लम ने भी फरमाया औरतें जो हैं वो मुझे पसंद हैं, खुशबू भी पसंद है, औरतें अब मेरी बीवियाँ। और आपसे फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, वो अलग से हदीस है। इस हदीस में आपने फरमाया रसूलों के तरीक़ों में से तीसरा तरीका खुशबू का इस्तेमाल करना, खुशबू लगा के रखना ताकि बंदा जहाँ जाए लोग मुतासर हों आपकी। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट तरीका है, बहुत शख्सियत आपकी मुतासर करता है। अगर आप परफ्यूम में हैं, आप परफ्यूम हैं, लोग खुशी से आपसे मिलते हैं, देखते हैं यार इस बंदे से खुशबू आ रही है, बू नहीं आ रही। चौथे नंबर पे निकाह का इल्तिज़ाम, निकाह करना ये अंबिया की सुन्नत है, ये रसूलों की सुन्नत है। अब उन सारी